तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस शो का रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, उस शो का नाम है द क्यूज गैम्बिट और ये आपको नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस पे देखने को मिल जाएगा। और इस शो की अडेप्टेशन इसी बुक से ली गई है, द क्यूज गैम्बिट से। और इस शो का जॉनर है हिस्टोरिकल ड्रामा और इस शो को IMDb पे 8.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटो ने इसे 99% के लाइक्स दिए। और इस शो की अगर बात करें तो आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और इस शो में कुल मिला के 7 एपिसोड होंगे और पर एपिसोड 1 घंटे के आसपास होगा और पूरी वेब सीरीज 6.5 घंटे के आसपास जाएगी। और ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा विद सबटाइटल्स। इस शो के अगर बेसिक प्लॉट के बारे में बात करो तो इसमें जो टायलर का कैरेक्टर है वो एक तरह से कम उम्र में ही अनाथ हो जाता है और जिस जगह वह रहती है वो उस वहां पर उसी के जैसे बहुत से लोग होते हैं जो वहीं पढ़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं। लेकिन जो टायलर का कैरेक्टर होता है बेसमेंट में जाता है तो वहां पे एक मिस्टर शेबिल करके, तो वो हमेशा चेस खेलते हैं, तो वो उन्हीं से चेस खेलती है और सीखती है। और कुछ टाइम बाद जब वो चेस बहुत सीख जाती है तो वहां पे एक पर्सन आता है जो उसको चेस एकेडमी लेके जाता है और वहां पर वो एक साथ 14 बंदों से चेस खेलती है विद, और वो भी एक साथ 1 by 1, मतलब 14 बंदे बैठे एक तरह से, पहले एक की चाल चलती फिर दूसरा तीसरा। भाई वो वाला सीन एक तरह से बहुत ऑसम लगा। और भाई धीरे धीरे वो किन ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है चेस में ही आपको शो में देखने को मिलेगा। और आप अगर एक चेस लवर हो ना तो भाई ये शो तो भाई आप मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई आपकी पुरानी यादें एक तरह से ताजा हो जाएगी। और जब मैं देख रहा था ना तो एक सीन आता है रिजाइन वाला, अगर आपका वजीर मर जाए तो क्वीन को रिजाइन करना पड़ता, तो भाई मुझे ये नहीं पता था एक तरह से। मैं भी चेस खेलता हूँ लेकिन बहुत कम खेलता हूँ। और ये शो देखने के बाद आप सोचोगे कि भाई चेस फिर से खेलना स्टार्ट करना चाहिए। और इस शो में सबसे बड़ी बात, अगर ये शो आप देखने से पहले ये सोच रहे हो कि भाई जब जो टायलर के सामने वाला कैरेक्टर होगा जो एक तरह से उससे भी बेहतर होगा, और जब टायलर कहीं फंस जाएगी आपको एक तरह से चेस बोर्ड दिखाया जाएगा कि भाई ये सारे प्लेयर्स ऐसे रखे, अगर ये ऐसे गेम चले ऐसे गेम चले, और आप सोचोगे कि आप भी अपना माइंड लगा लोगे, तो भाई ऐसा इस शो में कुछ नहीं होने वाला है। इस शो में डायलॉग और फेस एक्सप्रेशन से दिखाया जाएगा कि भाई आगे क्या चल रहा है। और ये शो थोड़ा 1960 में सेट किया गया है शो को और शो बहुत ही बेहतर है। इस शो के अगर कास्टिंग की एक्टिंग के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग, और इस पे सबसे ज्यादा फोकस गेम पे ना करके इन सबके कैरेक्टरों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाया गया हमको। और इस शो में अगर बेस्ट सीन की बात करें तो इस शो में एक थॉमस का कैरेक्टर है, वो एक तरह से मुझे काउबॉय का लगता है, उसका चेहरा छोटा सा और टोपी पहने रहता है वो हमेशा। और टायलर और थॉमस एक तरह से कैफे में बैठे होते हैं, तो वहां पे ये दोनों बैट लगाते हैं पैसों की, और वहां पे जब चेस गेम चलता है तो वहां पे टायलर बार बार हारती है और उसे पैसे देती है अपने पर्स से निकाल के। और वहां पे जितने भी बैठे लोग होते हैं ना उस कैफे में, भाई वो सारे लोग चेस बोर्ड की तरफ आ जाते हैं और भाई देखने लगते हैं, और वो गेम कम से कम 6-7 बार हारती है टायलर वहां पे, और थॉमस वहां पे बोलता अगेन अगेन अगेन, तो वो सीन भाई एक तरह से ऑसम। और जो टायलर है वो एक तरह से जब भी कभी सोती है ना तो अपने माइंड से ज्यादा चेस खेलती है, जैसे अगर वो सोने जा रही होगी तो छत की तरफ देखेगी और वो वाले ग्राफिक्स दिखा रखे कि भाई छत है वहां पे एक तरह से चेस बोर्ड है और वहां पे सारे प्लेयर्स है और वो माइंड से एक तरह से चेस खेल रही है। और भाई शो बहुत ही ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, और इस शो को भाई प्लीज बिल्कुल मिस मत करना। और भाई ये शो आप अपने घर वालों के साथ मत देखना, क्योंकि भाई 2-4 सीन कुछ ऐसे है कि समझ सकते हो तुम, समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है यार। तो इस शो में भाई तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।